और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस दौर को आगे बढ़ा जाए तो हमें ये पता चलेगा कि दरअसल उस जमाने में बाबर राजकुमार जी आप मेरी तरफ मत देखिए, इस ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, इस ब्लैक बोर्ड पर अलजबरे के फॉर्मूले की तरफ देखिए। हाँ हाँ देख ही तो रहे हैं। तो बताइए तो ये फॉर्मूला सही है या गलत है? बरसों से यही चला रहा है, 15 साल हो गए ब्लैक बोर्ड पर वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। गोवर्धन जी आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएंगी, हमको नंगे थोड़ी बैठे हैं। है? टूथपेस्ट पानी कुल्ली कीजिए, गरारा कीजिए, उगल दीजिए। अब राजकुमार के चेहरे की धुलाई होगी। बस मूंछों की नोक बनाई जाए। 7:36 से 9:36 तक राजनीति की बातें, 9:36 से 9:40 तक 4 मिनट आराम, 9:40 से 11:40 तक घुड़सवारी, 11:40 से 12:40 तलवारबाजी, 12:40 से 1:40 पहलवानों के साथ ताकत आजमाई। 20 साल से यही सुनता आ रहा हूं, रट लिया है मैंने और मत सुनाइए प्लीज। रट तो मैंने भी लिया है मगर यह सुनाना मेरा कर्तव्य है। 2 बजे से 3:30 बजे तक फ्रांस के एम्बेसडर से आपकी मुलाकात होगी, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक टाइप। इनफ, अंदर चलिए, नहाते नहाते सारी बातें हो जाएंगी। चलिए 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 आइए आइए। 20 साल से ना कैसी मार खा रही है। कैसी चल रही है मेरे गोवर्धन की पढ़ाई? माफ कीजिएगा रानी माँ, अब हमें छुट्टी दे दीजिए। ये छोटे से थे तब से हम इन्हें पढ़ा रहे हैं और आज तक वही पढ़ाई चल रही है। आप लोग दिल छोटा मत कीजिए, अगर आप 5 लोग मिलकर मेरे गोवर्धन को विद्वान और बुद्धिमान नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, 5 टीचर और रख लेते। हाँ? तो आप हमसे शादी करना चाहते हैं? आपको हम पसंद आए? कैसे पसंद आए? आपकी शर्म भरी नजरें तो जमीन में गड़ी हुई हैं, आपने हमें देखा ही कहाँ है? ओहो हो, दिल की आंखों से देख रही थी, चेहरे की आंखों से जमीन देख रही थी और दिल की आंखों से हमें देख लिया। वाह, नाम क्या है आपका? अभी लाशा। आप सिर्फ अपना सिर हिलाती जाएंगी या कुछ बोलेंगी भी? बोलेगी कैसे, ये तो गूंगी है। अरे भाई गूंगी है क्या? मैं गूंगी नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं आपकी पत्नी नहीं बन जाती तब तक अपनी जबान नहीं खोलूंगी। ओहो, बड़ी तमन्ना है आपकी, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल पूरी नहीं हो। देवी जी हम ब्याह किसी से भी कर लें मगर शादी आप ही से करेंगे। देवी जी आइए, देवी जी हमने आपका नाम हमारे दिल के खिताब में हमेशा हमेशा के लिए छाप लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय मिस साइलेंट। अच्छा मुसीबत में फंस गए भैया। हाय प्रिंस, माय स्वीट हार्ट, माय लव, माय डार्लिंग, माय फ्यूचर हस्बैंड। शादी से पहले पप्पी, अपने डैड से कहो कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया, अब खड़े खड़े वो हमारा ब्याह कर दे। खड़े खड़े? यस, फास्ट मैन फास्ट, आजकल की दुनिया के पास टाइम कहाँ है। आज शादी करो, कल घर बसाओ, परसों झगड़ा करो और तरसों तलाक। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। थैंक यू। अब जाइए, हम आपको खबर कर देंगे। खबर? किस बात की खबर? खबर तो मैं तुम्हें दे रही हूँ कि मैंने तुम्हें पास कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर पासिंग मी। माय स्वीट लव। थैंक यू वेरी मच। लव ऑफ माय प्रिंस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कलम से भैया तो चले गए, हम उनकी जगह चले जाते, शायद हमें कोई पसंद कर ले। ये देखिए महाराज, जसराज जी ने खास भेजा है ये नेकलेस। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कड़े और ये हीरों का हार कैसे लगे महाराज? अच्छे। अंदर चलते हैं, लेकिन याद रखना बिल्कुल हर्ष बने रहना।
चलो। नहीं भैया आप जाइए। क्यों? मुझे घबराहट हो रही है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी भैया। इतनी ट्रेनिंग दी फिर भी। भैया गधा तो गधा ही रहता, घोड़ा थोड़ी हो सकता है। नहीं चुप, इडियट, बेवकूफ। और ये देखिए करण जी। महाराज दिखा दिखा। शरारती कहीं का, कैसे चुपचाप आकर मेरे पास खड़ा हो गया है? क्यों हंस रहे? भैया की शादी के जेवर देखकर। अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे माँ, आप लोग को भी अच्छे लगे? अबे बेवकूफ, अच्छे लगे तभी तो देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर क्यों भला बुरा कह रहे हैं मेरे बेटे को? माँ पिताजी आज कितने खुश लग रहे हैं ना। आज हम वाकई बहुत खुश हैं, हमारे शेर बेटे हर्षवर्धन का विवाह होने वाला है और ब्याह के बाद हम उसे इस रियासत का राजा बना देंगे। माँ पिताजी, पिताजी हम इस खुशी के मौके पर आपसे कुछ मांग सकते हैं? क्या चाहिए तुझे? बोल मेरे प्यारे गधे बोल, आज हम इनकार नहीं करेंगे, हमारा वादा है। सुना है, सुना है कि हिंदुस्तान में एक जगह बॉम्बे, कहते हैं कि वहां अगर गधा भी जाए तो इंसान बनकर आता है। मैं वहां जाऊंगा माँ, बम्बई 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 जाऊंगा माँ, बम्बई। अबे गधे, नाम भी लिया तो बम्बई का, नाम लेता है अमेरिका जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, मगर नहीं बम्बई बम्बई। आज पहली बार मेरे बेटे ने अकलमंदी की बात की है और आप हंस रहे। कौन जाने बम्बई जाकर सचमुच मेरा बेटा बुद्धिमान और सयाना बनकर लौटे। क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूँ। करण सिंह जी ठीक कहते हैं बिल्कुल। देखिए पिताजी महाराज, आपने वादा किया है, अगर राजा वादे से मुकर गया तो प्रजा का राजा पर से विश्वास उड़ जाएगा। क्यों महाराज, अब तो हमें आज्ञा है ना बम्बई जाने की? ठीक है, तुम बम्बई जा सकते हो। ज्यादा उछलो मत, तुम बॉम्बे जाओगे जी, लेकिन अकेले नहीं जाओगे, ठाकुर करण सिंह जी तुम्हारे साथ जाएंगे। जी मैं बम्बई, और वो भी इसके साथ। करण सिंह जी आप इसके साथ जाएंगे तो हमें चिंता बिल्कुल नहीं होगी, ये तो भोला है, आपका साथ मिलेगा तो कुछ इंसान बन सकेगा। महारानी साहब हो सकता है ये इंसान बन जाए, मगर मेरी इंसानियत का क्या होगा? वो तो हमने वादा किया है। हाँ आप एक काम करेंगे, हर्षवर्धन के विवाह के बाद आप इसे अपने साथ बम्बई ले जाएंगे। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं। सोचा था हर्षवर्धन बन के जयश्री के करीब रहूंगा, उसे प्यार करूंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? सब उल्टा हो गया जी। मेरा मतलब है गला सूख रहा था इसलिए पानी पानी पीने चला। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या जी? हंस गया हूँ जी। मेरा मतलब है थक गया हूँ, मेरा सर पकड़ा जा रहा है। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। जी नहीं अभी नहीं, भैया से बात करनी पड़ेगी, कहाँ फंस गया। अच्छा आप जो कहेंगे मैं करूँगी जी। मैं आपकी पत्नी हूँ ना जी। हाँ तो फिर इतनी दूरियाँ क्यों? दूरियाँ कहाँ है, अब तो आप हमारे हैं ना, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? पीछे कौन हट? समेट लो मुझे अपनी बाहों में, क्या मैं आपकी पसंद नहीं? कमर झटका, धीरे धीरे उठिए, संभल के। भैया अबे हीरो, बाप का मैदान समझ के उछल रहा है क्या? साला बराबर टाइम पे ब्रेक नहीं मारता ना तो बिना टिकट ऊपर चला जाता। न जाने कहां से चले आते बंबई में भर्ती के औलाद साले। अबे
मैं तेरे को गाली दे रहा है, तू बत्ती से फाड़ के हंस कह रहा है? देना भाई, और गाली दे, और गाली दे। आज जिंदगी में पहली बार इन कानों के पर्दों से गालियां टकराई है। बहुत मजा आया ये सुनने के लिए, तो मेरे कान बचपन से तरस रहे हैं। देना, रुक मत, और गाली दे, दे, बहुत मजा आ रहा है। मजा? यार बम्बई में पहला आदमी देखा जो गाली सुन के मजे ले रहा है। क्या अरे उल्टे खोपड़ी का आदमी है क्या तू? और ये कपड़े क्या, किसी पागल खाने से मार के लाए? जाने बाबा, जाने देने, सुबह सुबह काय को धंधे का टाइम खराब कर रहे थे। गोर्धन क्या हुआ? एक और आ गया। क्या हुआ? क्या आंख बंद करके रस्ते में चलेगा, साला मरेगा तो? ए, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। क्या रे, तू फिल्म कंपनी का कपड़ा पहन के इधर दोस्त जमा रहे है क्या? साला हेलकट कहीं का? अरे नहीं करण जी, करण जी, गलत इनकी नहीं मेरी है, मैं इनके गाड़ी के सामने आया था। अरे मगर ये उल्लू का पट्टा में गालियां कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? मुंह से दे रहा है? अबे सुबह सुबह धंधे का टाइम खोपड़ी खराब कर दिया, पनौती कहीं का? अरे मैं इसकी खाल धरूंगा। नहीं करण जी, नहीं नहीं करण जी, शांति। अच्छा भी सको, सामान टैक्सी में रखे। सामान टैक्सी में रखिएगा। कौन सा सामान? अंधा हो गया, सामने रखा हुआ है। क्या सुबह सुबह क्या, किधर है सामान? अरे ये क्या सामान, क्यों क्या हुआ क्या? अरे इन तीन ट्रॉलियों में 10 सूटकेस भरवा के लाया था। 10 सूटकेस? ये बाप, ये बम्बे है समझा ना, इधर मोजे के अंदर छुपाया लनोट पब्लिक चुरा के ले जाता है, तुमने तो खुलेआम सड़क पे सामान रखा था। 10 सूटकेस कोई मिला ना क्या सुबह से तेरे को? देख लिया गोवर्धन, ये है तुम्हारी बम्बई। अभी पहुंचे हुए आधा घंटा नहीं हुआ और बम्बई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे करण जी, भूल जाए उस सामान को। क्या मतलब, वो 10 सूटकेस जाने दूं? करण जी, बम्बई में हम लोग बम्बई वाले बन के रहेंगे, वैसे भी इन कपड़ों में लोग हमें देखकर हंसते हैं, हम नए कपड़े खरीद लेंगे। हाँ गोवर्धन, तुम तो हो पागल, किसी दिन मुझे भी पागल कर दोगे। अरे तुम्हें पता है उन सूटकेसों में कितना पैसा था? मालूम है, मालूम है, मगर इस बैग में जितने पैसे हमारे लिए काफी है। चलिए ना करण जी। गोवर्धन सीधे बैठो, क्या बदतमीजी है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, भाग मजा आ रहा है। तुम्हारी बदतमीजी के कारण सारा सामान चोरी हो गया, सारा पैसा चोरी हो गया। ए भाई, टैक्सी भाड़े का पैसा है ना? अरे है, तुम सामने दे के चलाओ, एक्सीडेंट करोगे। अरे मैं संभाल के चला रहा हूँ, तुम संभाल के बैठना, वो दरवाजा पकड़ के रहना। ये रस्सी क्यों लगाई? अरे इसका हैंडल टूट गया, खुलते रहता है बीच बीच में। संभाल के बैठना, गिर गया तो अपना जिम्मेदारी नहीं। कितने बदतमीज लड़के हैं यहाँ के, देखो क्या ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये ले देख। ये कौन है? हम, ये हमारा मुंह कैसे काला हो गया? ये बाप, ये बम्बई है, या बड़े बड़ों के मुंह काले होते हैं। तू कौन है? हुई यू, हुई यू। ये ले कपड़ा, ले पोछ ले। साफ हुआ? कपड़ा दिखा? अरे तेरी तो कपड़े पे तो ग्रीस लगा हुआ था। ये कपड़ा दिया था तुमने? अरे संभल के बैठ, संभल के कालिया, अब भी गिर जाता। ए, कौन कालिया, क्या बात है? अरे तू और कौन कर रहा, अपना थोबड़ा तो देख। बोल, क्या दू, गुलाब, चमेली या मोगरा? क्या बात है? देख लेना, घूर घूर के क्या देखता है कालिया, लेता है क्या? हाय हाय रे कालिया, इजड़े इजड़े। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हटो भाई, अरे यार इसको मना करो ना। अरे नहीं नहीं साहब, आप उन लोगों के साथ लफड़ा नहीं कर सकते, सिग्नल पे टायर पंक्चर करके भाग जाते हैं लोग। अरे कैसे चला हूँ, सिग्नल लाल है ना, सिग्नल तोड़ के जाऊँ क्या? बदल ले तो दो ना। अरे जा रे, कपड़ा तो राजा के माफिक पहना है और जेब में एक ढेड़ी नहीं, भूल गया? अरे जा जा, तेरे जैसे बड़े सेठ देखे गाड़ी में बैठे से अपने आप को सेठ समझता है, कंजूस की औलाद, लफंगा साला, कालिया साला। ले कालिया, आ गई बस्ती। 300 रुपया निकालो, 300। ए शेंडी लगाता है क्या, इधर तक आने का 300 रुपए? आपको 100 रुपए से जाती नहीं देगा। ए तेरे को क्या करने का, मैं साहब से बात कर रहा हूँ ना, तू काहे को बीच में बोलती है? ए, ये काली आप उनका दोस्त है, ये तो अच्छा हो मैं इसको सिंगल पे मिल गई। अच्छा बैठ ना, नहीं तो तू इसको अक्खा बम्बई घुमा कर इधर लाता। अरे देखना तू कार्ड, ये देखना मीटर 40 बनता है कि नहीं, और कार्ड का मिला के कितना, 300 हो गया नहीं? अरे तू इसे वसूल करके तो देख, तेरे चारों टायर में किल्ला मार के पिंचर कर देगी। ये छोकरा देखता है ना, ये आप उनके बस्ती का है।
अच्छा अच्छा चलो बाबा जो देना हो दे दो चलो क्या जो देना हो दे दो सुनाई नहीं दे रहा अरे जो देना हो दे डालो अबे चुप क्या ये ले कहां से मां बाप ने पैदा कर दिया शर्म नहीं आती कबूतरों क्या इरादा है रे काय का इरादा अरे तेरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं है शर्म तो है रे ए, ए, एक तो मैं तेरे को संभालती थी तू मेरे को ही नखरे दिखाता है क्या बदतमीजी है आते ही जूता गायब हो गया कौन सी जलील जगह है ये कौन अरे अरे अंकल लो तुम्हारा जूता अरे बैंड मास्टर किसके यहाँ बैंड बजाने आया है रे ए, 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 हटो हटो क्यों परेशान कर रहे हो सर्कस वाले आदमी को हा? सर्कस सर्कस करने वाले का हमारे यहाँ सर्कस दिया जाता है जंगूरी क्या सोना गरीबों के लिए बना के रहूंगा इंशाल्लाह जरूर बनेगा यही एक खोली खाली है 20 साल से ये खोली बंद है 20 साल पहले यही खोली में हम अपनी औरत के साथ सुहागरात मनाने को आया था देखो ये कमरा चलेगा फर्स्ट क्लास वाह थू 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 थू। ये तो भूतों का कमरा है इसमें कौन रहेगा अरे क्या बात कर रहे करण जी आप जैसे बहादुर सुरमा भूतों की बात करते हम यहीं रहेंगे यहीं क्या बात करता है इस कमरे में कौवा ने मुझ पे गलाजत छिड़क दी तुम हंस रहे हो गलाजत नहीं कौवा हगा गुड लक क्या है कौवा हकता है तो गुड लक बोलते हैं तेरी तो कौवे की तो तुम लोग मेरा खाली पीली टाइम वेस्ट मत करो तुम लोगों को इधर रहने का है कि नहीं बिल्कुल नहीं रहना बिल्कुल रहना है बिल्कुल हम इसी कमरे में रहेंगे ये लीजिए एडवांस क्या देख रहे हैं आप हम जाता है कोई चीज का जरूरत हो तो हमको आवाज देना हा? हम नीचे ही बैठे रहे कौवा हगा गुड लक बैंड मास्टर एक लाइन में शांति हवा आप भी आई परसों से करण जी हमें यूं जगाते आए हैं आज हम उन्हें वैसे ही जगाएंगे श्री करण सिंह जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बैंड मास्टर गुड मॉर्निंग बैंड मास्टर आज 7 दिसंबर 1991 सुबह के 8 बजे हैं आज का प्रोग्राम क्या शाही बिस्तर से उठकर आप शाही गुसल खाने की तरफ जाएंगे और नल जिससे कतरा कतरा पानी आता है बिना साबुन लगाए नहाकर दांत ब्रश करने के बजाय सिर्फ कुल्ली करके तैयार होंगे और नाश्ता करेंगे जी नाश्ते में आपको वड़ा पाव इडली सांभर मेदूवड़ा चटनी प्याज के भजिए अदरक की चटनी बम्बई के सारे बेहतरीन नाश्ते पेश किए जाएंगे नाश्ता करने के बाद आप 4 लिमिटेड बस पकड़ के चावला की लॉन्ड्री में जाएंगे वहाँ आपका इंटरव्यू होगा इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी इसके बाद का प्रोग्राम जी पेश किया जाए नाश्ता मेरे कपड़े अभी लाया सर
ये रहे सर। ये किसके कपड़े? आपके। तो ये क्या? छेद। और ये? ये भी छेद। तो ये इतने बड़े बड़े छेद हैं तो छुपाएंगे क्या? ये छेद पहले तो नहीं थे? मैंने थोड़ी किए। तो किसने किए? माफ करना साहब, वो क्या है, इस होटल में चूहा लोग बहुत है ना, उनको बाहर खाने को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इस होटल में आके गिराक लोगों का कपड़ा खाया जाता है। लेकिन तुम फिकर मत करना, ये कपड़ा देखो हम भाड़े पे देता है, हर स्टाइल का है और हर साइज का है, तुम लोगों को एकदम फिट आएगा। अरे सब लोग लेता है, चूहा खाता है कपड़ा लेता है, चूहा खाता है कपड़ा लेता है। अब ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। अच्छा तुम एक काम करे, रख दो, हम छांट के ले लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों बाकी कपड़े नीचे लेके आना। जूते चाहिए तो भी है? नहीं आज के लिए इतना काफी है, जूते बाद में खा लेंगे। नहीं पहन लेंगे। ओके और कुछ? हाँ एक जरूरी काम था। क्या? तुम जाओ यहाँ से। ओके ओके। शाबाश मेरे अमिताभ, वारे मेरे जितेंद्र, जीते रहो राजेश। शाबाश रे मेरे बच्चे लोग, ऐसा ही गिराक लोगों का कपड़ा खाते रहना।